इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के प्रांगण में करनाल कॉरपोरेट लीग T20 क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि ये लीग आज से 2 महीने तक चलेगी, जिसमें देश भर की 16 टीमें भाग ले रही हैं। इस कॉरपोरेट लीग T20 खेल प्रतियोगिता का करनाल के वरिष्ठ प्रोफेसर रामजी लाल द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उनके साथ क्रिकेट जगत से जुड़े डीके मल्होत्रा, अजय गुप्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्य अतिथि ने आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली व बार एसोसिएशन जींद की टीमों के मैच का प्रारंभ टॉस उछालकर करवाया। इस मौके पर समाचार एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में प्रोफेसर रामजी लाल ने कहा कि यह प्रतियोगिता एक बेहतर प्रतियोगिता साबित होगी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में 30 से ऊपर उम्र के खिलाड़ी अपने जौहर दिखाएंगे। उन्होंने कहा, खेलों से मनुष्य में अनुशासन की भावना भी पैदा होती है। गौरतलब है कि पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जोगिंदर कादियान द्वारा इस लीग का आयोजन करवाया जा रहा है, जो लगभग 2 महीने तक चलेगी। इस प्रतियोगिता के तहत देश के बेहतरीन खिलाड़ी आकर यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। इस मौके पर यूनिवर्सल वीजा की ओर से असीम सैनी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि वे ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए समय समय पर सहायता अवश्य करते रहेंगे। उद्घाटन अवसर पर नरेश नली, किशन कुमार, लवली मक्कड़, बंसीलाल लाठर, विनोद सांगवान, सतपाल सांगवान आदि मौजूद रहे। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर क्रिकेट की बड़ी टूर्नामेंट होने जा रही है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ जी, थोड़ा बताइए विस्तार से। यहाँ KITM के क्रिकेट ग्राउंड में KCL T20 लीग का आयोजन किया जा रहा है। 16 दिग्गज टीमें यहाँ इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 8 एडवोकेट्स की टीम है और 8 कॉरपोरेट की टीम है। तो यहाँ पर 1.5 महीना ये टूर्नामेंट सैटरडे और संडे को खेला जाएगा। सैटरडे हर दिन 2 मैच खेले जाएंगे और 20 मार्च को इसका समापन होगा। 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। क्या उद्देश्य है इस टीम? इस टूर्नामेंट का एक उद्देश्य है कि हमारे जो ओल्ड क्रिकेटर हैं, इस टूर्नामेंट की एक विशेषता ये है, 30+ का टूर्नामेंट है। 30 साल से अधिक के खिलाड़ी इसमें खेलेंगे और आपस में जो आप हमारा वो क्रिकेट से दूर चले जाते हैं, शुरू में खेलते हैं बट क्रिकेट में से दूर चले जाते हैं और एक ओल्ड एज होने के बाद फिर दोबारा से उनके अंदर क्रिकेट की लय को पैदा करना, यही इस टूर्नामेंट का एक उद्देश्य है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, खेल को खेल के तरीके से लेना चाहिए। गेम में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं जब ग्राउंड में हो तो अपनी टीम के लिए पूरा संघर्ष करें और जो टीम जीतती है वो जरा टीम जो हारती है उसको प्यार से देखने की चेष्टा करें। दूसरी बात, आदमी जीवन में एक बार कई दफ़ा एम प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए हतोत्साहित ना होकर आगे संघर्ष करना चाहिए और ऊपर उठने का ड्रीम लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इनॉग्रल टूर्नामेंट है जी, मैं तो इसको जोगिंदर को बधाई का पात्र मानता हूँ कि जिसने इतनी मेहनत करके 16 टीमें इकट्ठी की, जो कि ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। संदेश यही है कि आदमी को किसी भी एज में अपने आप को बूढ़ा नहीं समझना चाहिए और ग्राउंड से जुड़ा रहना चाहिए, यही मेरा संदेश है। क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, जोगिंदर जी ने जो आज ये कदम उठाया ना, ये कदम क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, क्रिकेट को प्रमोशन देने के लिए बहुत अच्छा कदम है। इस टूर्नामेंट से जो बच्चे देखेंगे और पुराने क्रिकेटर्स को देखेंगे, उनको देखने से उनके अंदर एक खेल की भावना पैदा होगी और उनको ये पता लगेगा कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है और डिसिप्लिन क्या होता है। क्रिकेट में डिसिप्लिन और स्पोर्ट्समैनशिप दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और टूर्नामेंट ऐसे होते रहें तो इसके लिए अपना जिले को बड़ा फायदा है। टूर्नामेंट होते रहेंगे तो क्रिकेट भी चलती रहेगी, अगर टूर्नामेंट नहीं होंगे तो क्रिकेट कैसे चलेगी। नमस्कार जी एवरीवन, गुड डे। आज KCL करनाल कोऑपरेटिव लीग T20, ये एक सपना था जो जोगिंदर भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब भी हैं,
और उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्होंने ही सारा ग्राउंड के मेंटेन किया, उनका एक जो सपना था सबने मिलके उनका साथ देके पूरा किया। आज मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी आज इसका पार्ट हूँ एज ए यूनिवर्सल वीज़ा बींग स्पॉन्सर्ड। और हमें सबसे बड़ी खुशी क्या है कि जो यहाँ आज हमने 30 प्लस का लीग करवाई है उसमें मोस्टली ऑब्वियस है 30 प्लस का मतलब 40 प्लस भी आ रहा है, 50 प्लस भी आ रहे हैं, तो वो सब पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, वो बच्चे जो हैं उनकी कितनी खुशी होगी आगे बढ़ने के लिए, उनको एक एग्जांपल मिलेगा कि मेरे पेरेंट्स आज भी कितने फिट हैं, स्पोर्टिव हैं और स्पोर्ट्समैनशिप आज भी उनके अंदर है, स्पेशली क्रिकेट इन टर्म्स हम क्रिकेट का ही लीग करवा रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी हो रही है और बच्चों को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी दिग्गज अपने यहाँ VIPs आए हैं जिसमें गुप्ता जी भी शामिल हैं जो सिलेक्शन हरियाणा की सिलेक्शन कमेटी के भी पार्ट रहे हैं और रहते ही आए हैं, बहुत सालों से हमने देखा है उन्हें, व्हेन आई वाज टू यंग 1990 में तो मैंने उनके मैं उन्हीं का ही स्टूडेंट था। साथ में यहाँ हमारे एक्स प्रिंसिपल भी रहे हैं राम जी, वो भी यहाँ उनका भी प्रेजेंस हुआ, उनके मैंने आशीर्वाद लिया क्योंकि मैं 2000 जल सिंह कॉलेज का पास आउट हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और भी बहुत यहाँ ऐसे लोग हैं, कोचिज़ भी आए हैं जो हमारे सतीश राणा दिनेश, इनसे दोबारा मिलने का मुझे अवसर मिला तो वो भी इसी के पार्ट हैं। इस लीग के बाद जो 30 प्लस की लीग है उसके बाद हम एक यूनिवर्सल वीज़ा लीग करवा रहे हैं जिसका एज ग्रुप यंगस्टर्स को फोकस करेगा, 17 to 26 जिसके अंदर ओजी 11 भी उतरेगी और भी 30 से 35 टीमें होंगी जिसमें नॉकआउट सिस्टम होगा, मोस्टली तो करनाल डिस्ट्रिक्ट की टीम्स होंगी पर हरियाणा पंजाब का भी उसी में इंक्लूजन्स होगा। तो आज के दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टूर्नामेंट का पहला दिन है, आज इनॉग्रेशन रही, बहुत अच्छा हमें महसूस हो रहा है। तो वी लाइक एवरीवन टू वॉच दिस ऑन लाइव वेरी सून ऑन समाचार न्यूज़, एंड सनुज विल बी प्लेइंग अ ग्रेट रोल एंड ही इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू फॉर दिस डे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.